खोराबार थाना क्षेत्र के चौरी गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व तीन बच्चों पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। इससे पत्नी व उसके बड़े बेटे की हालत गंभीर है, अन्य दो बच्चे खतरे से बाहर हैं। चारों घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं पिता के इस हरकत से बच्चे इस कदर डरे हुए हैं कि नाम लेते ही सहम जा रहे हैं। चवरी के टोला उर्फ रामगढ़ निवासी 35 वर्षीय नगीना निषाद पुत्र रामहित निषाद बेंगलुरु रहकर पेंट पॉलिश का काम करता है। वह 4 दिन पूर्व शनिवार को बेंगलुरु से लौटा था। आने के बाद से ही उसका किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद चल रहा था। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे वह घर लौटा। इस दौरान उसकी पत्नी 30 वर्षीय शांति देवी, 11 वर्षीय बेटा समीर, 9 वर्षीय बेटी अंजलि, 6 वर्षीय छोटा बेटा शिवा सोए हुए थे। उसने फावड़े से तीनों पर हमला कर दिया। इससे चारों घायल हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी जुटने लगे। इस दौरान मौका देकर नगीना निषाद वहां से भाग निकला। पुलिस को घटना की सूचना बुधवार की सुबह मिली। उसने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहां से चारों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में मां शांति देवी व बेटा समीर की स्थिति गंभीर देख उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नगीना प्रसाद पिछले कई दिनों से शराब पीकर अपने स्वजन को परेशान कर रहा था। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे उसने अपनी पत्नी व तीन बच्चों पर फावड़े से हमला किया है। उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, खोराबार थाना अंतर्गत जंगल चौकी गांव में प्रातः खोराबार पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नगीना निषाद द्वारा अपने ही पत्नी एवं उसके तीन बच्चों पर फावड़े से हमला कर दिया गया है। इस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया एवं जिस व्यक्ति द्वारा हमला किया गया उसको हिरासत में ले लिया गया है। 307 हत्या के प्रयास के उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है कि पिछले 5-6 दिन से यह व्यक्ति शराब का आदी है एवं इन बच्चों और अपनी पत्नी को परेशान किया गया।